जय हिंद दोस्तों, सारे को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। तो क्या है इस वीडियो के माध्यम से जो भी है मैं आपको बताना चाहूंगा। इससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। ये देखिए दोस्तों, सारा इंडिया बड़ी खबर रिफंड पोर्टल से आया ये संदेश। तो क्या है बड़ी संदेश, तो भाई आप लोग बंद रहेगा, तो चलते ही वीडियो को शुरू करते हैं, दिखाते हैं क्या है। सारा इंडिया निवेशकों के लिए एक बड़ी खबर रिफंड पोर्टल से मिल रही है। आपको बता दें कि सहारा रिफंड पोर्टल पर अपने पैसे के लिए क्लेम जो भी लोग कर चुके हैं और पोर्टल के द्वारा क्लेम किए गए आवेदन पर अभी तक पेमेंट नहीं मिला है या फिर पेमेंट फेल हो गया है, इसके बारे में पोर्टल के माध्यम से लोगों को सूचित किया गया है। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। दरअसल सहारा इंडिया पोर्टल के माध्यम से लोगों को सूचित करते हुए बताया गया है कि हम वर्तमान में 19,999 तक के क्लेम के लिए फिर से सबमिशन स्वीकार कर रहे हैं। अन्य पत्र दावों के लिए तारीख की घोषणा जल्द ही होगी। दोबारा सबमिट किए गए दावे पर 45 कार्य दिवस के भीतर कार्रवाई किया जाएगा। आपको बता दें कि सहारा समूह के निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए केंद्र सरकार को 5,000 करोड़ रुपए अभी तक मिले हैं। पोर्टल के जरिए निवेशकों को सहारा इंडिया के सहकारिता समितियों में फंसे 80,000 करोड़ रुपए वापस लेने की मांग की है। आपको बता दें कि खबर यह था कि 2024 में चुनाव के पहले निवेशकों के पैसे के लिए सुप्रीम कोर्ट के तरफ से कुछ नया आदेश निकल कर आएगा, लेकिन यह काम भी विफल नजर आ रहा है। वहीं सहारा समूह में 1.13 करोड़ निवेशक ऐसे हैं जिनका 5,000 से कम ही रकम जमा किया गया है। इसे गरीब निवेशकों को ही रिफंड के लिए कुल 2793 करोड़ रुपए की जरूरत है। सरकार ने राज्यसभा में दिया यह जवाब। आपको बता दें कि सहायता राज्य मंत्री वीएल वर्मा जी के द्वारा राज्यसभा में प्रश्न कल के दौरान पूरक प्रश्नों के उत्तर में साफ साफ बताया गया है कि सहारा समूह से अधिक धनराशि पाने के लिए वह फिर से सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करेगी। वीएल वर्मा जी के द्वारा बताया है कि सहकारिता मंत्रालय ने निवेशकों के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जहां निवेशक अपने फंसे पैसे पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 3 करोड़ निवेशक को ने 80,000 करोड़ रुपए वापस पाने के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया है। हमने 45 दिनों में निवेशकों के पैसे लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दिया है। हमें 5,000 करोड़ रुपए अभी तक मिल पाए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम आर शाह और सी टी रवि कुमार की पीठ ने अपने आदेश में 9 महीने के भीतर निवेशकों के पैसे लौटाने का आदेश दिया था, लेकिन 5,000 करोड़ रुपए की धनराशि से अभी सहारा खाते से सेंट्रल स्टार का प्रियोरिटी सोसाइटी को ट्रांसफर किया गया। सेवी सहारा रिफंड खाते में तकरीबन 24.5 हजार करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। सेवी सहारा रिफंड खाता 2022 से उस वक्त खोला गया जब सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह की 2 प्रमुख फार्मों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड को रिलीज किए गए। तो फिलहाल दोस्तों जो भी था मैंने आपको बता दिया है। तो भाई आपका पैसा कब तक आएगी? तो भाई हो सकता है कुछ और अपडेट जल्द से जल्द देखने को मिल सके। ऐसा अपडेट आ रहा है कि लोगों का पैसा कब मिलेगा, तो भाई आप लोग थोड़ा वेट करें। जो भी अपडेट आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन करूंगा। वीडियो में जितना ही जय हिंद।